हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम कसोल। तो आज की आइटनरी है मेरी, मैं जा रहा हूँ कसोल से मनाली के लिए, और मनाली मॉल रोड का जो डिस्टेंस है वो गूगल मैप दिखा रहा है अराउंड 76 किलोमीटर्स, और ढाई घंटे की जर्नी बता रहा है। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुँचने में और कैसे व्यूज़ मिलते हैं वहाँ जाके। अब थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उस वजह से बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है, तो इसे इग्नोर करो और इन्जॉय करो। अब इसी को करते हैं बाय बाय और अब चलते हैं मनाली की तरफ। अब देखते हैं मनाली में क्या है। ये सारा यहाँ का मॉल रोड है ये, और थोड़ा सा इस साइड में भी है, इधर ज़्यादा नहीं है, इधर एंड है और इस साइड से स्टार्ट होती है, और हमें भी इसी साइड जाना है। जगह बहुत अच्छी है, ये भी आने लायक जगह है, और मुझे तो आगे मज़ा ही आ गया है, तो ऑब्वियसली आपको भी आएगा। मिनिमम दो दिन का स्टे तो यहाँ पे होना ज़रूरी है, अगर खीर गंगा का ट्रैक करते हो तो बात अलग है, अदरवाइज अगर तोश भी जाते हो, क्योंकि मैं तोश गया था तो तोश तो लाजवाब था यार। मतलब पूरा ये देख लो कि 6 घंटे तक स्नोफॉल रहा है, और जब मैं वापस आ रहा था तो उस टाइम पे तो स्नोफॉल इतना ज़्यादा तेज़ हो गया था, इवन फॉग हो गया, रात का टाइम हो गया, ऊपर से स्नोफॉल, तो बाइक बहुत ज़्यादा स्किड भी कर रही थी क्योंकि काफ़ी स्लश बन गया था उस पर। रास्ते पे चलते चलते जब बर्फ़ आती है तो उसके ऊपर गाड़ियाँ चलने से वो स्लश बन ही जाती है। एक बार स्लिप हो गया, ये मेरा मिरर टूट गया साइड वाला एक, बट ये है कि लगी नहीं गई, बाकी सब सेफ है, बाकी सब अच्छा है। आप ये कसोल के व्यूज़ एंजॉय करो कुछ देर तक, उसके बाद मनाली। अब देखते हैं, ढाई घंटे का तो रास्ता है ही, हम देखते हैं कितनी देर में पहुँचेंगे, क्योंकि बीच में ब्रेक वगैरह अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा, कुछ भी नहीं हुआ अभी, तो अब देखते हैं कहाँ ब्रेक लेता हूँ या फिर डायरेक्ट। सोच तो रहा हूँ मनाली में ही रुक जाऊँगा क्योंकि टाइम भी अभी काफ़ी हो चुका है, 12:30 के आसपास का टाइम हो रहा है अभी, तो बीच में रुकूँगा तो आराम से 20 मिनट तो जाएंगी। और आज का मेरा प्लान है मनाली सोलांग वैली, मनाली में तो स्टे है ही, मनाली का मॉल रोड भी बहुत अच्छा है, काफ़ी बड़ा भी है और अच्छा भी है मॉल रोड, तो वो नाइट में जाऊंगा वहाँ पे, बाकी देखते हैं जाने के बाद भी जा सकता हूँ, और जो उसके बाद जाना है उसके बाद मेरे को जाना है सोलांग वैली और अटल टनल, देखते हैं अगर खुली हुई तो डेफिनेटली जाऊँगा वहाँ, नहीं हुई तो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, साउथ पोल तक तो जाऊंगा ही। उसके साउथ पोर्टल जो है, उसका दो पोर्टल है, उसके नॉर्थ वो है जो लेह मनाली हाईवे पे निकालता है, जो रास्ता रोहतांग से होके लेह जाता है उस वाले रास्ते पे उसका नॉर्थ पोर्टल जाता है, मतलब नॉर्थ पोर्टल का गेट है, और जो साउथ पोर्टल है वो मनाली वाला है, मनाली की साइड से जहाँ से एंट्री लेते हैं, जाके देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। बाकी सब अच्छा है, बाकी सब बहुत अच्छा है। तोश देखा जाए तो अराउंड वही 18 किलोमीटर्स के आसपास बैठ रहा है कसोल से मणिकरण होते हुए, लेकिन कसोल के आगे से रास्ता इतना अच्छा है नहीं, पिलियन के साथ राइड करोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है उसमें, अदरवाइज सोलो हो तो इतनी नहीं आएगी, और बाकी सबसे बेस्ट तो ये कि आप यहीं का रेंट करके जाओ, उसमें आपका थोड़ा सा डैमेज वगैरह का चांसेस कम है और सेफ भी ज़्यादा रहोगे, क्योंकि मेरी बाइक भी स्किड करी कई बार और एक बार गिर गया, तो चोट वोट तो नहीं लगी लेकिन हाँ अनसेफ है। तो रात जाके थोड़ा सा मौसम खुला है, 2 दिन से तो बारिश ही थी कसोल के अंदर बारिश थी, और ऊपर की साइड में बर्फ़ पड़ रही थी, मतलब मणिकरण से जो रास्ता कटता है वहीं से ही थोड़ी थोड़ी बर्फ़ दिखनी शुरू हो गई थी मेरे को, मतलब साइड में जो छोटी मोटी आ जाती है वही, बाकी ऊपर जाके तो माहौल ही अलग था वहाँ का, मतलब बता नहीं सकता मैं, इतने अच्छे नज़ारे थे वहाँ पे, बहुत बहुत बेहतरीन, जाने लायक जगह है भाई।
मनाली में देखते हैं मनाली में क्या है, वहाँ स्नो है नहीं है क्या है वो जाके देखेंगे, अभी तक तो कुछ पता नहीं है। तो अभी मेरे को 25 किलोमीटर वापस नीचे ही जाना है कुल्लू तक, कुल्लू से रास्ता कटेगा फिर मनाली का, तो 50 किलोमीटर के आसपास वो है और 25 ये। नॉर्मल है भाई? भाई तो नॉर्मल है। नहीं नॉर्मल पेट्रोल है। ठीक है कोई बात नहीं, इनकी भर दो पहले। तो अब रिफिल तो करा लिया, अब कोई टेंशन नहीं है। तो गाइज़ मैंने लिया है अभी पहला ब्रेक सुबह का, और भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, अभी 1 बज रहे हैं और अभी भुंतर पहुँचने वाला हूँ। थोड़ा सा रास्ता बाकी है भुंतर का, और यहाँ ये कैफ़े बड़ा अच्छा लगा मेरे को, तो मैं यहाँ पे रुक गया क्योंकि एक तो साइड में रिवर साइड व्यू है, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से, और दूसरी चीज़ हल्की हल्की धूप आ रही है जो 2 दिन से मिस कर रहा था मैं, लेकिन अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, थोड़ी धूप भी मिल रही है और व्यूज़ भी अच्छे हैं, और पीछे पहाड़ तो नज़ारे हैं ही, उनके क्या कहने। तो बाकी सब अच्छा है बाकी अपडेट करता हूँ जो भी मिलता है। तो कुछ ऐसा व्यू है यहाँ से बहुत अच्छा, और ये नदी भी इतना आराम से बह रही है, इतनी अच्छी लग रही है इसकी आवाज़, और ये सामने माउंटेंस ब्रो। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का, और ये भुंतर से 2 या 3 किलोमीटर पहले है कैफे, बहुत अच्छा व्यू है यार, बहुत अच्छा। कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा आई नो, बट स्टिल जो चीज़ है वो चीज़ है। तो गाइस अब मैं चल रहा हूँ यहाँ से, अब यहाँ से डिस्टेंस रह गया अराउंड 50 किलोमीटर्स मनाली का,
अब देखते हैं मनाली में कैसा वेदर होगा। आज तो काफ़ी खुल रहा है दिन, धूप भी निकल रही है। ये वाला रास्ता भी काफ़ी अच्छा है, बस बीच बीच में कुछ छोटे छोटे पैचेज हैं जो थोड़े से टूटे हुए हैं, क्योंकि मैंने ये वाला रूट पहले करा था जब मैं मनाली आया था, तो मणिकरण और बिजली महादेव जब किया था, तो रोड्स तो ठीक है यहाँ की। वाह क्या व्यूज है यार, यही तो मजेदार चीज है बस ट्रैवलिंग की सबसे ज्यादा। थोड़ा सा चलो कुछ और चेंज। वाह यार आहा मजा आ गया, तो मजा आएगा अभी, तो मजा आएगा हाँ अभी तो थोड़ा सा आया। मनाली पहुंचने वाला हूँ, मनाली रह गया यहाँ से 21 किलोमीटर और व्यूज बदल गए यार। अभी तो 21 किलोमीटर दूर है, देखो सामने वो देखो पीक क्या लग रही है यार, मतलब बिल्कुल नेक्स्ट लेवल आइस हो रही है यार ऊपर, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। वो देखो ऐसा लग रहा है चादर बिछा दी हो किसी ने ले जाके। क्या मतलब कसम आ गया यार, क्या है ये कसम, मजा आ गया यार। और रास्ता तो यहाँ था बस कुल्लू तक, बहुत ही अब तो काफी सही हो गया है रास्ता, कुल्लू तक थोड़ा थोड़ा था लेकिन कुल्लू के बाद चलो एकदम अल्टीमेट रास्ता है यार, एक छोटा सा पैच भी नहीं मिलेगा टूटा हुआ, और गाड़ी भी एकदम टपाटप भाग रही है भाई सारे में, क्या यार नजारा नहीं मतलब कहर कर दिया कहर। वो देखो मतलब कहीं भी देख लो अलग ही है, अलग लेवल यार, मजा आ गया मतलब अल्टीमेट मजा आ गया यार अल्टीमेट यार, मतलब बादल उसके ऊपर स्काई और उससे नीचे माउंटेन वो भी जिनकी पीक वाइट हो रही है बिल्कुल, मतलब इसे कह सकते हैं कि डिफरेंट शेड्स ऑफ हिमाचल, गजब यार। मतलब देख के ना स्माइल रुकी नहीं रही है, इतना 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 अच्छा लग रहा है यहाँ, और रोड इतना अच्छा है तो मतलब राइड करने में भी पूरा मजा आ रहा है। अभी मैं जा रहा था, बीच में रास्ते में रुका हूँ, एक यहाँ पे रिवर है व्यास रिवर, इतनी अच्छी लग रही है ना यहाँ पे, इतने अच्छे व्यूज आ रहे हैं इसके, इतनी प्यारी लग रही है, बहुत आराम से बह रही है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से, बहुत अच्छा व्यू है। यहाँ पे रुका मैं, चाय वाय पी मैंने और देखा यहाँ पे जस्ट मैं ऐसे आ गया था उठ के, देखा तो इतना प्यारा व्यू था, मैं रुक गया, मैंने कहा नहीं अब तो दिखाना पड़ेगा।
अब आगे जाऊंगा मैं, अब थोड़ा सा रास्ता रह गया मनाली का बस, तो अब निकलता हूँ। अब मनाली में देखते हैं बर्फ है वहाँ पर या क्या है, हो भी सकती है, वरना सोलांग में तो मिल ही जाएगी, इतना तो लग ही रहा है सोलांग में मिल जाएगी बर्फ। उसके आगे देखते हैं फिर अटल टनल तक अगर कोई ना रोक रखा हो, क्योंकि नॉर्थ पोल तक तो मुझे लगता है कि जाने ही नहीं देंगे, लेकिन साउथ पोल तक देखते हैं कि जाने दें। साउथ पोल का व्यू भी काफ़ी अच्छा है, मैंने तो पूरा एक्सप्लोर करा था अटल टनल पहले। अटल टनल है बहुत सुंदर टनल है, इवन उसमें चलते हुए लगता ही नहीं कि आप हिल के ऊपर चला रहे हो, 9 to 10 kilometers आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप हिल के ऊपर चला रहे हो, इतनी स्मूथ और इतनी सीधी बना रखी है वो टनल, बहुत सुंदर टनल है। मॉल रोड भी आने वाला ही है, ये कट जाएगा बस। आई थिंक आ गया क्या, नहीं ये तो कुछ और है, आ गया है। आप व्यू एंजॉय करो, मैं रास्ता देखता हूँ। अब दो रास्ते आएंगे, एक मॉल रोड के लिए जो इधर चला जाएगा, और जो सीधा जाएगा ये निकल जाएगा आपका सोलांग, रोहतांग और आगे लेह के लिए। तो हम जाएंगे अभी इस पे, सोलांग के लिए जाएंगे थोड़ी देर बाद। बाद के 50 किलोमीटर्स का तो पता ही नहीं चला बिल्कुल भी, कैसे खत्म है, क्योंकि रोड ही इतनी स्मूथ और इतने अच्छे रोड बनाए हुए हैं यहाँ पे। लास्ट टाइम मैं जहाँ रुका था वो स्टे थोड़ा यहाँ पे है, आई थिंक यस देयर, लास्ट स्टे ये वाला था मेरा होटल रुद्र। अब आगे जाऊंगा क्योंकि यहाँ से मॉल रोड पैदल जाने में 5 to 10 minutes लग जाती थी, तो अब मैं थोड़ा आगे जाके स्टे देखूंगा, तो अभी मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। सो फाइनली गाइस, मनाली तो मैं पहुँच गया हूँ, और जिस होटल में मैं रुका हूँ यहाँ से मैं आपको व्यू दिखा दूँ कितना अच्छा है। यहाँ पे सीधा स्नो माउंटेन पीक्स दिख रहे हैं, तो कुछ ऐसा व्यू है यहाँ से। Beautiful. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. बाहर निकल जाओ उल्टू पट्टे। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. और आज के लिए गुड मॉर्निंग, कल के लिए गुड नाइट। Hey guys, welcome back to my YouTube channel.